डर के भाग कर दुआ पीछे पहुंच Hey guys, good morning, welcome to my new vlog। और यार आज का सीन ना बहुत ही मस्त हो रखा है। फिलहाल पता है कल के दिन ना मैंने दो ब्लॉग बनाए और दोनों मैंने एडिट भी कर लिया यार। रात को ना 3 बजे तक मैं जगा था ब्लॉग एडिट करने के लिए, ठीक है। और फिलहाल ना अभी दूल्हा और दुल्हन का गाड़ी घर के सामने आके लग चुका है, वहाँ पे आप लोगों को दिख रहा होगा हल्का हल्का। पता है मैं ना पिछले दो ब्लॉग में ना स्टिकर्स क्यों यूज़ किए, क्यों ना कि जैसे यहाँ ना भैया और भाभी हैं, ये दोनों को ना पसंद नहीं है कि मतलब थोड़ा सा अभी शादी हो रहा है ना, शादी के टाइम में मैं ब्लॉग डायरेक्ट डाल दे रहा हूँ यूट्यूब पर, तो ये उन लोगों को थोड़ा पसंद नहीं है, ठीक है, इस वजह से, ठीक। तो बाकी कोई बात नहीं था, ठीक ना, कुछ दिन के बाद भैया भाभी का मतलब जैसे होता है ना 1-2 महीना हो जाएगा तो फिर ब्लॉग बनाऊँगा फिर से, मतलब भैया भाभी दोनों आएँगे फिर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। और वैसे पता है क्या, सुबह सुबह का टाइम है, मैंने यहाँ पे फील्ड में ब्लॉग स्टार्ट कर रहा हूँ और यहाँ पे ना मेरे पीछे आप देख सकते हैं बच्चे मस्त बैडमिंटन खेल रहे हैं यार। और ये लोगों को देख के ना अपना बचपन याद आ गया, हमको लग रहा है ना मैं भी अब बैडमिंटन खेलूँ, ठीक है। तो हाँ अभी ना मैं भी बच्चों के साथ ही सही, मैं भी बैडमिंटन खेलूँगा और थोड़ा सा ना अपने बचपन को याद करूँगा। तो हाँ अभी ना चलते हैं बैडमिंटन खेलने, बच्चे लोगों से पूछ लेते हैं वो खिलाएंगे कि नहीं। ये पॉइंट्स वाला गेम हो रहा है यहाँ पे ना, थोड़ा देख लेते हैं किसका कितना पॉइंट गिर गया है, ठीक है, उसके बाद ना उन लोग से लेने में ठीक रहता है। किसका 5 हुआ? मेरा 5 हुआ। तो खत्म ना? हाँ 5 खत्म ना? 21 5 का ही था ना? नहीं 5 का था। अभी आए हुए थे यहाँ पे बस स्टैंड नया मोड़ पे, वो पंडित जी थे ना उन्हीं को बस पकड़ाने के लिए, ठीक है। तो पंडित जी तो चले गए, अभी फ़िलहाल यहाँ पे रुके हुए हैं, थोड़ा चाय वाय पीते हैं उसके बाद चलते हैं घर। और चलते हैं यार, ब्रश व्रश करते हैं, नहाते धोते हैं, उसके बाद देखते हैं अगर आज हम घर जाएंगे तो आज, ठीक है यार, घर चले जाएंगे वापस, औरंगाबाद वापस हो जाएंगे। और अगर नहीं आज जाते हैं तो आज ना आप लोगों को ना बोकारो में ना 3-4 मंदिर हैं, ठीक है, वहाँ का दर्शन करवाऊँगा। जैसे ना बार बार आ रहा था जा रहा था ना, तो वहाँ पे ना 2-3 मंदिर तो मैंने सामने से देख लिए हैं, तो उन सब मंदिरों के दर्शन करवाऊँगा। और भाई मंदिर का दर्शन करना कौन नहीं चाहता है। तो हाँ अभी फिलहाल ना चलते हैं घर फटाफट से। अभी मस्त ब्रश हो गया है और गर्मा गर्म चाय भी मिल चुका है, तो बस फटाफट से गर्मा गर्म चाय पीते हैं और चलते हैं बाहर। मैं हो चुका हूँ रेडी और हमारे साथ हमारे दोनों पार्टनर भी रेडी है, और ठीक है, और हमारे साथ हमारा गाड़ी भी रेडी है और हम जा रहे हैं अभी डैम के साइड। तो हाँ अभी ना हम तीनों जा रहे हैं और मस्ती करेंगे, इन्जॉय करेंगे, फोटो तो भाई घूम मचा के खींचने वाले। तो हाँ बस चलते हैं फटाफट से और फोटो वोटो खींच के आते हैं 1-2 घंटे में घूम फिर के, यार टेंशन क्यों लेना है, तो बस चलते हैं अभी। You can see the writing on the pavement. Young kids that growing up in basements. Online, a whole new generation. I'ma make mine, so you better go take it. Always they need a new replacement. Decentralized, can't contain it. We're changing lives, yeah. पता है अभी ना मैं यहाँ पे पुल के ऊपर हूँ, और पता है पुल के ऊपर कहाँ पे, बोकारो में, वो भी दामोदर नदी के पुल के ऊपर हूँ। और मेरे पीछे ना आप लोगों को वो लोहे वाला ना ब्रिज दिख रहा होगा, वो ना पहले के टाइम में ना जैसे वो क्या कहते हैं केबल कार टाइप का जो ब्रिज होता था ना, इस पार से उस पार आने जाने में काम आता था, उस टाइप का ब्रिज है। और फिलहाल अभी ना हम निकल रहे हैं डैम के साइड। Thank you.
पहुंच चुके हैं हम डैम के पास, बोकारो डैम के पास। और पता है इतना अमेजिंग सीन लग रहा है, इतना अमेजिंग मैं क्या बताऊं। मतलब ना मैं यहाँ खड़ा हूँ, ठीक है, और मैं अपने लफ्ज़ों में नहीं बता पाऊँ बता रहा हूँ ना कि ये मतलब इतना अमेजिंग लग रहा है यार। आप लोग ना वीडियो देखिए और बस इंजॉय करिए। आप लोग के इंजॉयमेंट के लिए ही मैं यहाँ आया हूँ। पता है अचानक से प्लान हम लोगों का बना ना कि डैम जाना है, बस निकल गए। और यहाँ आके भाई जो सुकून मिल रहा है ना, मतलब अनबिलीवेबल, ठीक है। तो आप लोग भी देखिए और इंजॉय करिए। चंदन हाय, ऊपर से तो साइट सीन हो गया अपना डैम का, ठीक है, बट अभी ना नीचे का साइट सीन बाकी है भाई। तो अभी ना हम फिलहाल नीचे जा रहे हैं और यहाँ पे ना नीचे जाने का एकदम अटपटा सा रास्ता है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। ये देखिए यार, नीचे जाने का ना ये अटपटा सा रास्ता इधर है और एक अटपटा सा रास्ता इधर है जहाँ से हम अभी आ रहे हैं, ठीक है। तो अभी फिलहाल नीचे चलते हैं और थोड़ा सा भाई अपना फोटो शूट तो बनता है ना। सो गाइस अभी ना मस्त वाला फोटो शूट ले लिए, मस्त वाला रिकॉर्डिंग कर लिए, मस्त वाला सब चीज़ मस्त, मतलब बेस्ट में से बेस्ट, ठीक है। सारा काम करने के बाद, सारा इंजॉयमेंट करने के बाद अभी ना हम तीन निकल चुके हैं वापस से अपने डेस्टिनेशन के लिए, वो भी घर के लिए। और बीच में देखते हैं कुछ ना कुछ तो खाते पीते ही चलेंगे। तो हाँ अभी बस जल्द से जल्द घर पहुंच जाना है। वैसे कॉल वॉल तो किसी का आ नहीं रहा है, बट थोड़ा शाम हो रहा है ना, तो हाँ ठंड थोड़ा ज़्यादा ही लग रहा है। तो डैम के साइड ना ठंड वैसे भी लगता है। अभी बस घर पहुंचना है और विक्की भैया हमारे बाइक राइड कर रहे हैं। हाँ तो पता है यहाँ पे ना ये मंदिर बहुत ही भव्य और बहुत ही पुराना है। और पता है क्या इसका ना, आप मेक देखिए, ठीक है, मतलब यार किस तरह से ये मंदिर बनाया गया होगा, एकदम अलग लेवल, ठीक है। और तो और यार पता है यहाँ पे ना मस्त फोटो शूट चल रहा है हमारे भाइयों का। अभी ना इधर तो घूम लिए, मतलब इतना बड़ा, ठीक है, इस साइड में घूम लिए और फोटो शूट भी बहुत ज़्यादा हो चुका है। और अभी ना हम ना इस साइड में जा रहे हैं। ये ना मंदिर का नाम ना बोकारो में मंदिर है ये, और इस मंदिर का नाम ना जगन्नाथ मंदिर है। पता है इतना मज़ा आ रहा है घूमने में, इतना मज़ा मैं क्या बताऊँ यार। आज ना बस घूमना ही है हम लोग, बस घूमते हैं और क्या। अभी ना फिलहाल इस साइड में आए और उसके बाद फिर उस साइड में भी जाएंगे। इस साइड का ना ये लुक ही अलग है यार। यहाँ पे ना हॉर्सेज हैं और पीछे मंदिर, आगे हॉर्स।
मतलब अलग, और वहाँ हमारा बंदर है, देख रहे हैं बंदर ही है एकदम। पूरा मस्ती और इन्जॉयमेंट करने के बाद और हाँ भगवान जी का दर्शन करने के बाद अभी फाइनली पता है पूरा मंदिर घूमने के बाद हम ना आ चुके हैं यहाँ हनुमान जी के मंदिर में। और पता है क्या, हनुमान जी का मंदिर ना इतना मस्त दिख रहा है ना, मतलब ये मंदिर तो है ही बट ना इधर हनुमान जी का छोटा सा मंदिर है वो भी बहुत ही अमेजिंग दिख रहा है। और ना फिलहाल हम सब घूम चुके हैं इधर पूरा, और अब हम ना चलते हैं कहाँ पे भाई, कुछ खाने पीने चलते हैं बाहर में। ठीक है, दर्शन तो हो चुका और घूम भी लिया हम लोगों को ना, मेन घूमना था और दर्शन करना था। तो हाँ अभी ना फिलहाल मोनू इधर ना अपना फ़ोटोशूट लिवा रहा है, करवा रहा है, तो चलते हैं फटाफट से बाहर और कुछ खाते पीते हैं। और क्या, हम लोग जा रहे हैं यहाँ से, तो जाते जाते बस ये लास्ट सीन कैप्चर कर ले रहे हैं। हम आ चुके हैं यहाँ सेक्टर 4 में कुछ खाने पीने, और क्या खाएंगे वो आप लोगों को दिखा दूंगा, बट ना यहाँ बहुत ही हैवी मार्केट लगता है और हमारे भाई लोग भी साथ में। तो हाँ अभी ना हम बटाटा पूड़ी खाने आए हैं, तो बस फटाफट से टूट पड़ता है। और क्या यार, फिलहाल हम पहुँच चुके हैं बोकारो मॉल, तो हाँ अभी चलते हैं मॉल के अंदर, घूमते घूमते हैं थोड़ा एंजॉय करते हैं। और हाँ एंजॉय करने के लिए भाई बोकारो मॉल के अंदर तो हम पहुँच चुके हैं, और पता है आज ना हम हॉरर हाउस के अंदर जाने वाले हैं। पहले से प्लानिंग करके, एकदम परफेक्ट प्लानिंग करके आए हैं हॉरर हाउस में जाने के लिए। तो आज भाई मज़ा आने वाला है, एकदम इन्जॉयमेंट होने वाला है, एकदम मज़ा आने वाला है। और आगे आगे ना ये लोग देखिए कैसे हॉरर हाउस की तरफ भाग रहे हैं और डर के मारे, मतलब ये लोगों का ना क्या हाल होने वाला है ये लोग नहीं जानते हैं। बट हाँ चलिए दिखाते हैं आप लोगों को हॉरर हाउस। अभी ना हम हॉरर हाउस में, हॉरर हाउस का ना पूरा रिकॉर्डिंग आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, और ये लोग ना इतने ज़्यादा एक्साइटेड है मैं क्या बताऊँ। चल आगे चल, और कहाँ जाना, इधर अंदर का एक्सपीरियंस एकदम अनबिलीवेबल था मेरे भाई। पता है इतना ज़्यादा मतलब डर लगा, इतना ज़्यादा डर लगा ना मैं क्या बताऊँ। अंदर ना मुझे ना लग रहा था ना कि मेरा ना हार्ट फेल हो जाने वाला है, और इसका तो भाई हालत ही अलग था, गजब का मतलब ना इसका ना हार्ट अटैक आने वाला था। ठीक है देखा ना, अभी ना मोनू और ये विक्की भैया ना अंदर गए हुए हैं, वो लोगों को ना बाहर निकलने दीजिए ना, वो लोगों का एक्सपीरियंस देखता हूँ कैसा है। ठीक है, और भाई चिल्ला तो ऐसा रहा ना, लग रहा है कि कोई मार रहा है उसको। अभी ना मोनू और विक्की भैया अंदर जाएंगे ना, वो लोगों का एक्सपीरियंस अलग लेवल का रहने वाला है, वो लोगों का ना एक्साइटमेंट देखेंगे हम लोग अभी। डर के मार कर दो आगे पीछे बहुत मोनू और विक्की भैया का ना एक्सपीरियंस एकदम नेक्स्ट लेवल था। ना ये लोग भी बहुत ज्यादा डर गए, मोनू ना विक्की भैया का थोड़ा सा गया था। हाँ अभी ना बस यहाँ पे घूम लिया पूरा अच्छा खासा, अभी चलते हैं बाहर। तो यार फिलहाल यहाँ पे हम आए हैं चिली मोमोज खाने, तो हाँ बस खाने में ना इतना मस्त लग रहा है क्या बताऊँ। तो हाँ अभी लास्ट में ना हम मस्त मलाई कुल्फी खाएंगे और उसके बाद चलेंगे घर। चलिए चलिए। तो हाँ पता है आज ना मैं ब्लॉग मलाई कुल्फी खाते खाते एंड करने वाला हूँ, वो भी क्यों ना, क्योंकि घर पे जाने के बाद अब कुछ काम नहीं है, अब बस ना लास्ट मिनट पैकिंग करके आज रात को बैक टू औरंगाबाद। तो हाँ आई होप आप लोगों को मेरा ब्लॉग पसंद आया हो, अगर ब्लॉग पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, बाकी आप जो मर्जी करिए, टेंशन फ्री रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, गुड नाइट। तो हाँ ये रहा बोकारो का जगन्नाथ मंदिर जहाँ हम दर्शन करने आए हैं।